कर रहे हो? जो सही है वही कर रहा हूँ काका, न्याय। बंदिता इधर आओ। अनिरुद्ध, हम फैसला सुना चुके हैं, अब कुछ कहने कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है काका, अन्याय मुझे बर्दाश्त नहीं, फिर चाहे वो किसी अपने नहीं क्यों ना किया हो। बंदिता इधर आओ। के कपड़े तुमने चुराए क्या? बराबरी का मतलब समझाने के लिए पति बाबू। पूछिए इनसे, क्या ये नदी पे परेशान नहीं करते औरतों को? क्या औरतों के नहाने के समय पे पहुंच नहीं जाते हैं ये नदी पे? आज कपड़े चुराए इनके तो पता चला इन्हें ये कैसे शर्म आती है भागने में। इनके कारण औरतों को रोज गीले बदन सबसे छुपते छुपाते भागना नहीं पड़ता क्या नदी से? मैं तो बस सबक सिखाना चाहती थी इन्हें, ताकि ये जान सके कि शर्म भेद नहीं करता आदमी और औरतों में। जैसा बुरा इन्हें लगा यार, औरतों को रोज नहीं लगता होगा। जमींदार बाबू, अब आपकी घर की औरतें सबक सिखाएंगी हम आदमियों को। हाँ त्रिलोचन बाबू, अब औरतें न्याय करेंगी। हाँ न्याय करेगी औरत। कोई खिलौना तोड़े, बर्तन तोड़े या नियम तोड़े, हमेशा दंड पाए, पर आदमी गलती करे कुछ भी तोड़े वो उसका साहस कहलाए, वो शाबाशी पाए। क्यों? उसे उसका दंड क्यों नहीं? औरतों की गलती पे इतना शोर और आदमी गलत हो तो एक आवाज भी नहीं। क्यों आदमी सब कुछ कर सकता है पर औरत अपनी इच्छा से कुछ करना चाहे तो उसके पांव बांध दिए जाए? क्यों? आदमी नदी पे नहाने आ सकते हैं, औरतें चौपाल में क्यों नहीं जा सकती? क्यों मेरी चोरी दिखी सबको पर इनकी गलती नहीं? ये औरतों पे हंसे तो सही पर कोई इन पे हंसे तो गलत क्यों? औरतें रोज शर्म करें इसे पर एक दिन इनको शर्मिंदा होना पड़ा तो गलत क्यों? आपने ये कहा था ना पति बाबू, हंसना रोना खाना पीना हाथ पांव आंख मुंह सब बराबर दिए हैं भगवान ने, तो औरतों का स्थान आदमियों से क्यों कम? हर चीज कम देंगे औरतों को पर बात निभाने की हो, सहने की हो, छुपाने की हो, शर्म की हो तो वो ज्यादा करे औरत। क्यों? हाँ गलती की है मैंने पर कारण यही सब है उसका। पति बाबू बोलिए, क्या मैं गलत हूँ? भरी सवाल पूछने पे इस गांव की लड़की से इम्प्रेस हो रहे हो तुम अनिरुद्ध? भाषण ही पसंद है तुम्हें तो कहते मुझसे, प्यार भरी चिट्ठियों की जगह सामाजिक लेख ही भेज रही थी तुम्हें विलायत। इतने सालों के प्यार के बोल की जगह नारे सुनाती तुम्हें। भले ही सवाल ये लड़की करे तुमसे पर तुम्हारा जवाब मैं ही हूँ अनिरुद्ध।
सुना ना आप लोगों ने क्या कहा बंदिता ने, तो क्या अभी आप लोगों को चाहिए न्याय? बंदिता की कही एक एक बात सही है और उसने जो किया वो भी बिल्कुल सही किया। शर्म नहीं आती आप लोगों को? औरतों के नहाने के समय नदी में पहुंच जाते हो? उन औरतों में से कोई एक आपके घर की औरत होती तो अच्छा लगता है ना? क्यों? देखिए, सारी शिकायतें आपकी पत्नी को ही हैं और किसी गांव की किसी औरत ने आज तक कोई आवाज नहीं उठाई। हमें न्याय चाहिए बस। कभी ना कभी कोई ना कोई एक पहली आवाज उठाने वाला होता है और फिर वही पहली आवाज एक बुलंद नारा बन जाती है। मुझे तो गर्व है कि पहली आवाज बंदिता ने उठाई। तो अभी जो न्याय न्याय कर रहे हैं ना आप लोग, न जाने क्या दंड दे देंगे। डर गई। जानती हो ये किसकी छड़ी है? किसकी? दादा की। बिरिस्ता बाबू के भी दादा है क्या? मुझे क्यों नहीं मिलवाया उनसे? अरे अनिरुद्ध दादा, और मालूम है जब कोई दादा की बात नहीं सुनता है ना तो यही छड़ी से। एक बार तो इतना गुस्सा आया कि सजा देते देते उनकी छड़ी टूट गई, पर उनका हाथ नहीं रुका। छड़ी टूट गई तो ये छड़ी कहाँ से आई? जमींदार हैं हम, कोई एक चीज खरीदते हैं क्या? तो और भी हैं ऐसी छड़ी? हाँ बहुत सारी है अच्छी अच्छी। मुझे तो जाना है पढ़ाई करने। अब तुम सोचो दादा की छड़ी से कैसे बचोगी? सोचो। अब क्या करूँ माँ, काश तू यहाँ होती तो प्यार से समझा पाती मुझे, बता पाती मुझे कि क्या करना है तेरी बंदिता को। पर कैसे मिलूं तुझसे, कैसे बात करूं तुझसे? हाँ है ना एक तरीका। आंगन क्या, मीलों दूर भी कोई हो ना तो भी उनसे बात कर सकते हैं उस टेलीफोन पर। जादू वाला डिब्बा। से बात करती हूँ इस जादू के डब्बे से और बताती हूँ कितनी परेशान हूँ मैं ससुराल में। फिर माँ ही बताएगी कि क्या करूँ मैं। माँ तो सुन सकती है मुझे? सुनना माँ, तेरी बंदिता को यहाँ बहुत डर लग रहा है। पता है डर के मारे ना मेरा बिस्तर गीला हो जाता है, पर कोई नहीं है यहाँ जिसे मैं बता सकूँ, जो मुझे प्यार से समझाए, तेरी तरह सुलाए हाथ पकड़ के। माँ मुझे बहुत डर लगता है और अब तो नदी पे भी नहीं जा सकती नाना, और गीले कपड़े धुलवाने तेरी नन्नी सी बंदिता बहुत बड़ी दुविधा में फंस गई है। अगर सुबह नदी पे नहाने जाती हूँ तो पति बाबू गुस्सा होंगे, बहुत डांटेंगे। माँ छड़ी भी है उनके पास, लेकिन अगर नहीं जाती नदी पे नहाने घर पे सबको पता चल जाएगा कि रात को सोते हुए नींद में बिस्तर गीला करती हूँ, तो सिर्फ पति बाबू नहीं
सब घर वाले मुझसे गुस्सा होंगे, क्या पता डंड दे। अब तू ही बता ना क्या करूं मैं।